आपके ख्याल है मोहम्मद अली कोल्ड वॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड में हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है, वो बाइपोलर नहीं होगा, मल्टीपोलर होगा। हाँ, अगर मैं हाउ डू यू डिफाइन द कोल्ड वॉर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ एक्चुअली, इफ यू अलाउ मी जस्ट टू मिनट्स। देखें राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स जो है वो तो 5000 साल की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें आपको मिलता है, नंबर वन। नंबर टू ये कि आप जिस तरह सुसाइड स्ट्रैप आपने पढ़ी होगी ग्राहम एलिसन की किताब, उसमें 20-25 ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन को उसने कंपेयर किया है। इट्स अ फैसिनेटिंग स्टडी, मेरे पीजी का थीसिस ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन पे है। तो तीसरी बात जो है, जो ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन है, बुनियादी जो अजम्पशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो रियलिस्ट पैराडाइम है स्ट्रक्चरल रियलिज्म की, वो ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम ग्रेट पावर्स शेप करती हैं। तो ग्रेट पावर कौन होती है? ग्रेट पावर वो होती है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम शेप करने की सलाहियत, अहलियत और ख्वाहिश रखती है। ठीक है, तो जो रियासतें अगर चाइना इस मियार पे पूरा नहीं उतरता, तो एम्पिरिकल स्टडी ये कहती है कि क्या वो उसकी ख्वाहिश, अहलियत और सलाहियत रखती है कि वो अमेरिका का पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर को डिसरप्ट कर दे? शायद अभी नहीं, मे बी फ्यूचर में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो नेचर ऑफ पावर का कंपटीशन है उसमें तब्दीली आई है, जो मैं आपसे एग्री करता हूँ। कंटेस्ट तो जिस तरह आपने कहा, मतलब अंदाज़े हर्ब से होता था, फिर और चीज़ें आईं। ठीक है, तो अभी जो नेचर ऑफ पावर कंपटीशन है वो बुनियादी तौर पे फ़र्क है, उसके मकासद वही हैं। नहीं, अभी क्या नेचर है अभी? हाँ बिल्कुल, ये जो बुनियादी सवाल है, जो नेचर में फ़र्क क्या है जिसको कोल्ड वॉर से समझना ज़रूरी है, तीन फ़र्क में क्विकली आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। देखें, पहली बात आइडियोलॉजिकल है। जो कोल्ड वॉर थी वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल थी जो प्ले आउट हो रही थी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक रेल्म्स और डोमेन्स में। इस वक्त नेचर ऑफ कंपटीशन आइडियोलॉजिकल आपको नजर नहीं आता है। चाइना कहीं भी दुनिया में अमेरिका के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को चैलेंज करता हुआ इंटेलेक्चुअली यूएन में कहीं नजर नहीं आता। लेकिन आप अमेरिका को देखते हैं, समिट ऑफ डेमोक्रेसी, इस किस्म की चीजें चल रही, अथॉरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेटिक, अमेरिका की साइड से तो नजर आएगा क्योंकि वो स्टेटस को पावर है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि सिस्टम उस वक्त चेंज होगा जब एंटी स्टेटस को पावर स्टेटस को चैलेंज करेगी। और नेचर ऑफ चैलेंज सिर्फ स्टॉकपाइल, डिफेंस स्पेंडिंग, आर्म फोर्सेस और पोस्चर और इकोनॉमी में तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना ने भी चैलेंज नहीं किया? मैं ये कह रहा हूं कि चैलेंज इमर्ज कर रहा है, लेकिन मैं चैलेंज की नेचर क्विकली ये बताना चाहता हूँ कि उसकी चार डायमेंशंस आसान अल्फाज में मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन होती है जो कि एब्सेंट है इस वक्त। आपको चाइना की तरफ से जो चैलेंज है, जिन लोगों की ख्वाहिश या उम्मीद भी है कि चाइना चैलेंज करेगा, वो ये नोटिस नहीं कर रहे कि चाइना की तरफ से इंटेलेक्चुअली और पोलिटिकल सिस्टम ऑफ द वेस्ट को कोई चैलेंज नहीं है, नंबर वन। नंबर टू के इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम हो गई है, ये एक रियलिटी है। ठीक है, मिलिट्री बजट में भी अभी बहुत तफावत है, बहुत फर्क है। क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। कहां अमेरिका का 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर और बाकी दुनिया का मिला के, और क्वालिटी में भी देखें, अगर न्यूक्लियर आर्सेनल की बात करें जो ओपन सोर्स में इंफॉर्मेशन मौजूद है, अभी भी दुनिया के 90% से ज्यादा जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं वो उन्हीं दो रियासतों के पास हैं जिन्होंने कोल्ड वॉर लड़ी, रूस और अमेरिका। और आखिरी बात यह है कि अब जो नेचर ऑफ कॉन्टेस्ट है वो चाइना का उनके स्ट्रेटेजिक कल्चर और सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस डिफाइन करती है। वो अपनी पावर को वेल्थ के जरिए से, सॉफ्ट पावर के जरिए से, एक्सेप्टेबल और इन्फ्लुएंस के जरिए बढ़ाना चाहते हैं। उसका स्ट्रेटजिक कल्चर रशिया से डिफरेंट है, वो कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं है, और वो समझते हैं कि जब वो राइज कर जाएंगे तो दूसरी पावर्स खुद ही हमारा अदब शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें एक सवाल नाला ये पैदा होता है ना, जिस तरह ठीक है मोहम्मद अली ने बात ठीक की है, वो नजरियाती जंग उस तरह नहीं है, लेकिन भारत एक अंडर करंट्स तो ये हैं कि एक तरफ अथॉरिटेरियन मॉडल है आपके पास, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक मॉडल है, और चाइना उसको किसी न किसी स्टेज पे आके चैलेंज करेगा, और रशिया का जो आप उसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह दें या एग्रेशन कह दें, वो अलग बहस है। यूक्रेन में जो जंग हो रही है उसने इस चीज़ को शायद रीइन्फोर्स किया है, क्योंकि चाइना ने ओपनली सपोर्ट नहीं किया रशिया को, लेकिन लगता यही है कि वो मुखालफत भी नहीं की, लेकिन रूस के साथ बाय एंड लार्ज वो खड़े हैं। तो ये एक लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता अलाइनमेंट हो रही है, कुछ क्लैरिटी आ रही है चीज़ों में। आप कैसे देख रही हैं कि यूक्रेन की जो वॉर है उसने किस हद तक चीज़ों को डिफाइन करने में हेल्प की है?
बात सही है, पर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने कहा कोल्ड वॉर क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड में हो सकती है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कोल्ड वॉर एज इट इवॉल्व्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जो कि आइडियोलॉजिकल थी. ठीक है. और जैसे मोहम्मद अली ने कहा कि अब आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं है, चाइना जो है दे माइट बी कम्युनिस्ट बट देयर इकोनॉमी वो कैपिटलिज्म के काउंटर नहीं कर रहे बल्कि उसी को इन्हांस कर रहे हैं. सो उस तरह से जो यूएसए का काउंटर था यूएसएसआर, क्योंकि वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की इकोनॉमी पे थे, चाइना का उस तरह से नहीं है. लेकिन एक सिस्टम दो, एक दो हमारे पास दो पॉलिटिकल सिस्टम्स तो है ना अलग अलग, अथॉरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेटिक. ये अथॉरिटेरियन इज अ वेरी यूएस यू नो इंटरप्रिटेशन. चाइनीज भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं. है, बिल्कुल है. उनके हिसाब से भी डेमोक्रेटिक. वही तो मैं कह रही हूँ कि जो अथॉरिटेरियन का लफ्ज है ना वो आपका वेस्ट यूज करता है फॉर कंट्रीज जिनको वो ब्लेमिश करना. ठीक है, बट इज इट रियली एप्लीकेबल? वी हैव टू लुक एट इट इन अ मोर डीपर वे. सो आई एम कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि इट इज स्टिल वेरी फ्लूइड. चाइना को आप वन पार्टी के लिहाज से कह सकते हैं, पर उसमें इलेक्शंस होती हैं, सब कुछ होता है, और उनकी जो इकोनमी है वो सोशलिस्ट नहीं है, वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पे नहीं है. उनका मॉडल अब नया इवॉल्व हो चुका हुआ है. एंड कमिंग बैक इवन टू यूएसएसआर विच इज नाउ रशिया, रशिया की इकोनॉमी भी बहुत चेंज आ गया हुआ है. सो अब अगर आप मॉस्को जाएं, आप तो मॉस्को रहे हुए हैं, मॉस्को में अब लेटेस्ट ब्रांड्स आपको मिल रहे हैं. तो परेशान हो गया रिसेंटली जाके, कि क्या क्या वहाँ लैम्बोर्गिनीज और क्या क्या फरारीज वहाँ चल रहे हैं, सारे आपको मिल जाते हैं. एग्जैक्टली. सो वो जो सोवियत यूनियन हम बचपन में पढ़ते आए वो रशिया नहीं है. सो बेसिकली अमेरिका इज स्टक इन ओल्ड माइंड सेट. द प्रॉब्लम इज विद यूएसए हाउ इट डिफाइंस द वर्ल्ड from US perspective. So therefore they are still using the Cold War jargon. But the world itself has changed. Neither USSR is USSR, it's Russia, nor China is the old China that you used to speak of.